ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवान नाराज हैं। उनका प्रदर्शन करीब 40 दिनों से जारी है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे रेसलर ने बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ब्रिजभूषण सिंह पर 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इस मामले पर ब्रिजभूषण का स्टैंड है कि अगर उनके खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। हालांकि ये पहली बार नहीं है, ब्रिजभूषण सिंह का नाम पहले भी विवादों में रह चुका है। इस मामले में भी उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी थी। 6 बार लोकसभा सांसद रहे ब्रिजभूषण करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। पिछले 11 सालों से वो कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष बने हुए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ब्रिजभूषण कितनी संपत्ति के मालिक हैं और कितने ताकतवर नेता हैं। ब्रिजभूषण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं और पार्टी में अपना गहरा दबदबा भी रखते हैं। ये 6 बार के सांसद भी रह चुके हैं। साल 1988 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले ब्रिजभूषण सिंह को बीजेपी ने साल 1991 में लोकसभा का टिकट दिया था। इस समय उन पर 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। वर्तमान में ये गोंडा जिले के कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद है। उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह भी एक बार सांसद रह चुकी है, जबकि इनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह भी गोंडा की सदर सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास करोड़ों की संपत्ति है। साल 2019 में दाखिल चुनावी हलफनामे के मुताबिक ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। उनके पास 9,89,05,402 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। इसके अलावा वो लग्जरी कारों के शौकीन है। उनके कार कलेक्शन में एंडिवो, महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां शामिल है। ब्रिजभूषण सिंह के अलावा उनकी पत्नी के पास 6,34,44,541 रुपए की संपत्ति है। इसमें से उनके पास 1,57,96,317 रुपए की चल संपत्ति है। उनके पास 2 लग्जरी कार, उनकी पत्नी के नाम पर भी 2 गाड़ियां हैं। ब्रिजभूषण सिंह के पास 8 लाख की एंडेवर, 8 लाख की महिंद्रा स्कॉर्पियो है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 18 लाख की टोयोटा और 20 लाख की फॉर्चूनर कार है। इसके अलावा उनके पास 50 ग्राम और उनकी पत्नी के पास 200 ग्राम सोना है। कार के अलावा उन्हें हथियारों का भी शौक है। उनके पास 1-2 नहीं बल्कि 5 आर्म्स हैं। कुछ उनके नाम पर है तो कुछ उनकी पत्नी के नाम पर है। उनके नाम पर एक पिस्टल, एक राइफल, एक रेपिटर है। उनकी पत्नी के नाम पर एक राइफल और एक रेपिटर है। उनके पास करीब 1 करोड़ की खेतीहर जमीन है, जबकि 2 करोड़ रुपए का नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। उनके नाम पर 25 लाख का कमर्शियल बिल्डिंग है, 2 करोड़ की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी हैं। इनके पास 54 इंटर और डिग्री कॉलेज है। साथ ही नंदिनी नगर में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है। गोंडा के नवाबगंज में विश्नोहरपुर गांव में इनका पैतृक आवास है, जो कई एकड़ में फैला हुआ है। इसमें मॉडर्न जिम के साथ साथ बैडमिंटन कोर्ट भी है। लखनऊ में इनके पास लक्ष्मणपुरी पॉश एरिया में आवास है, जबकि गोंडा नगर में गोनार्द होटल और गोनार्द लॉन भी है। इन्हें घोड़ों का खास शौक है, लिहाजा इनके पास अच्छी नस्ल के घोड़े भी हैं। ब्रिजभूषण का नाम पहले भी विवादों से जुड़ता रहा है। साल 2019 में उन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती के लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए थे। वहीं एक रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान उन्होंने मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ भी मार दिया था। आपको क्या लगता है कि इस मामले में आगे सरकार का, पहलवानों का क्या रुख हो सकता है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।